पद्यपाति का 100 ग्रंथों का एक ग्रंथ माना जाता है, माने वेदांत के 100 ग्रंथ का एक, उतना महत्व देते हैं। थोड़ा गंभीर विचार है, उसमें गहराई से विचार करेंगे, प्रक्रिया को सिद्ध करेंगे, जो अविद्या आदि का अध्यास आदि प्रक्रिया है और जीव ब्रह्म के जो प्रतिबिंबवाद है, प्रतिबिंबवाद मुख्य रूप से प्रकट करते हैं, और उसी के अनुसार जो अभी न्याय संग्रह, जिनके न्याय संग्रह में अध्ययन कर रहे थे प्रकाशात्मेदी जी, इन्हीं के विवरण है, विवरण प्रस्थान नाम से कहते हैं, विवरण है, वो विवरण सहित होता है। जैसा यहाँ न्याय निर्णय टीका हमने लिया, उसी प्रकार पंचपादिका पहले तो मूल भाष्य सूत्र, भाष्य, भाष्य में पंचपादिका विवरण व्याख्यान, उसके बाद में विवरण, इस प्रकार का उसका अध्ययन होता है। तो ये हम आगे करेंगे, इसका जो प्रकाशन हम प्रयोग करेंगे, जैसा अभी ब्रह्मसूत्र का प्रयोग किया, यही ग्रंथ के जो प्रकाशक है दक्षिणामूर्ति मठ वाराणसी से पंचपादिका के ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, और उसी ग्रंथ को प्रयोग करेंगे। जिनके पास ग्रंथ नहीं है वो ग्रंथ को अपनाएं, तो उसी का अनुसार होगा। और अभी यहाँ जो भी है, यहाँ जो ब्रह्मचारी लोग हैं उनके लिए तो यहाँ ग्रंथ मंगाए हैं, वो बाद में ग्रंथ को ले सकते हैं। जो आपने अभी ग्रंथ लिया है पुस्तकालय से, वो ग्रंथ को लौटा दें, लौटाने के बाद में फिर वहाँ से नया ग्रंथ जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। किंतु अब ये जो पंचपादिका में कुछ विशेष अध्ययन होगा, तो क्रम थोड़ा सा अलग रहेगा। तो अभी तो आपने जो 5 साल तक लगातार सुना, और तो क्या हो, कोई तो 8 साल से सुन रहे हैं, कोई 10 साल से सुन रहे हैं, तो ये सुन करके सारे संस्कृत का ज्ञान और वेदांत के शब्द राशि का ज्ञान तो आपको हो ही गया। अब अनुभव करने में साधन आवश्यक है, तो वो ग्रंथ का कुछ अलग प्रकार से चलाएंगे, उसमें वो पूरा संस्कृत में ही होगा, पूरा अध्ययन संस्कृत में होगा, जो हिंदी व्याख्या नहीं करेंगे, तो जो मूल करेंगे मूल के अनुसार संस्कृत में, सरल संस्कृत में व्याख्या होगी। इसलिए वो, क्योंकि एक ग्रंथ अंत में ऐसे ही हम चलाते हैं, तो एक संस्कृत में चलाना चाहिए, तो अंतिम ग्रंथ है। अभी तो आगे संक्षेप शरीर करेंगे नहीं करेंगे तो पता नहीं, अब तो ये करने का निश्चय हुआ है, तो वो संस्कृत में होगा। जैसे व्याकरण में सिद्धांत कौमुदी आदि जब हम चलाते हैं तो प्रयास करते हैं उसको संस्कृत में चलाने का, क्योंकि कोई कोई ग्रंथ संस्कृत में चलाना चाहिए और वो सुन करके आ जाएगा, और जिनको संस्कृत नहीं आता है तो वो धीरे धीरे सुनते रहें, कुछ दिन में उनको शब्द राशि का ज्ञान हो जाएगा और सरल शब्द है। वैसे तो हम जो पाठ चलाते हैं 80% संस्कृत ही होता है, अब हिंदी में जो है बीच बीच में थोड़ा शब्द का अर्थ बताते हैं, उतना ही है, बाकी तो संस्कृत ही है, भाष्य है, टीका है, टिप्पणी है, सब संस्कृत में चलता है। इसलिए उसका अध्ययन ऐसा होगा जो उसको समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, उसमें मिल सकते हैं। क्योंकि कई लोगों ने बताया है कि जो हिंदी नहीं समझते हैं, अब वो भी सुनना चाहें तो संस्कृत में वो तो सभी सुन सकता है, क्योंकि ये ग्रंथ सुनने के लिए जो तैयार होगा वो तो संस्कृत सामान्य जानता ही होगा। इसलिए इस प्रकार से निश्चय किया है, और वो पाठ होगा, अभी अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसके बाद नवरात्रि होगी, नवरात्रि के बाद फिर वो जैसा समय आएगा आरंभ करेंगे। तो नवरात्रि के बाद में द्वादशी आ जाएगी, शुक्ल पक्ष द्वादशी 7 तारीख को, तो 7 तारीख आरंभ करेंगे ऐसा हम विचार कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी है सूचना बाद में दी जाएगी।